तारीख 15 अगस्त 2020, समय शाम 7:29। ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई क्योंकि इस दिन और इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ये फैसला लेते समय और इंस्टाग्राम पर अपने संन्यास की पोस्ट लिखते वक्त खुद धोनी का मन कितना भारी होगा, इसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि जिस माही का आखिरी मैच देखने के लिए हर कोई बेताब था, वो मैच हुआ ही नहीं और महेंद्र सिंह धोनी को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। जब धोनी ने ये फैसला लिया तो उनके फिल्मी पिता ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा है। धोनी के फिल्मी पिता से हमारा मतलब अनुपम खेर से है। अनुपम खेर ने धोनी के लिए लिखा है, मेरे प्यारे महेंद्र सिंह धोनी, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हम भले ही आपको खेल के मैदान में मिस करें, लेकिन हमारे दिलों पर आप हमेशा राज करेंगे। जीते रहो, आपका फिल्मी पिता। साल 2016 में धोनी के बायोपिक रिलीज हुई थी एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें अनुपम खेर ने धोनी का किरदार निभा रहे सुशांत सिंह राजपूत के पिता का रोल निभाया था। फिल्म में जहां सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी के किरदार को कुछ ऐसे निभाया था कि सभी ने उनके अभिनय की तारीफ की थी और धोनी जैसे शानदार और जानदार क्रिकेटर को बेहद उम्दा तरीके से स्क्रीन पर उतारने के लिए उनको जमकर सराहना मिली थी। वहीं धोनी के पिता के रूप में अनुपम खेर का भी अभिनय यादगार था। नीरज पांडे की तरफ से निर्देशित ये फिल्म बेहद सफल रही थी। इसमें धोनी की रियल लाइफ को पर्दे पर बखूबी उतारा गया था। फिल्म के बाद क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी धोनी की शख्सियत के फैन हो गए थे। अनुपम खेर के अलावा रितेश देशमुख, डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, सोनल चौहान, मुकेश छाबड़ा, सिद्धार्थ शुक्ला, रणदीप हुड्डा जैसे सेलेब्स ने धोनी के संन्यास पर काफी भावुक पोस्ट लिखी है। आप धोनी के संन्यास लेने पर क्या महसूस कर रहे हैं, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। एमएस, आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी जवानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है, आप पल दो पल के शायर नहीं। आप भी उस पल का हिस्सा थे, आप भी इस पल का हिस्सा है। मशरूफ जमाना आपके लिए अपना वक्त सजाएगा। आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी कहानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है, आप हर एक पल के शायर हैं। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी वॉज नॉट ओनली अ गुड बैट्समैन और वेरी सक्सेसफुल कैप्टन, आई थिंक इफ लुक एट हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस, ही वॉज एन ऑलराउंडर, from a wicket keeper to a batsman for a very successful captain as well. I think he has contributed a lot towards the Indian cricket. I wish him good luck for his future endeavors. His fans will miss him, but I think it's the time to give opportunity to the young players to come and play for Team India. Suresh Raina ne bhi aaj hi sanyas liya hai, unhone bhi bahut contribution apni aur se bhartiya cricket ke liye ki hai. तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों को ही संन्यास लेने पर, और क्रिकेट से संन्यास लिया हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, लेकिन भविष्य में वो कुछ भी करना चाहें उसके लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से अपील किया है कि महेंद्र सिंह धोनी का एक फेयरवेल मैच रांची में करवाया जाए, इस पे आपका क्या? बहुत ही अच्छा, उनका जो सोच है बहुत ही अच्छा है, और एक बार फिर इस तरह से हम उनको बधाई देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी वो राज्य के मुखिया तो हैं ही हैं और खेल मंत्री भी हैं, तो जिनके कारण ये जो डिसीजन है उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और मैं चाहूँगा बीसीसीआई भी इस पर अमल करे और रांची में जेसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच हो जिसमें एक बार फिर रांची को या झारखंड के लोगों को धोनी को उत्साह बढ़े। और मैं एक बार इसके अतिरिक्त एक बधाई देना चाहूंगा
कि पहली बार राज्य के मुखिया और खेल मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी राज्य में खेल नीति लागू करने जा रहे हैं, उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं।